नमस्कार, मी प्रसन्न जोशी. जय महाराष्ट्राच्या न्यूज रूम या आमच्या खास कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. न्यूज रूम हा असा कार्यक्रम आहे जिथे आम्ही सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अशा क्षेत्रातल्या मान्यवरांना बोलवत असतो. विचार हा असतो की त्यानिमित्तानं त्यांच्याशी बातचीत होईल, नेहमीच्या चर्चांच्या न्यूजच्या पलीकडे त्या माणसाला समजून घेता येईल आणि लोकांच्या आमच्या मनात असलेले प्रश्न थेट त्यांना विचारता येतील. आणि आज असंच एक वादग्रस्त पण तितकंच महत्त्वाचं राजकीय व्यक्तिमत्व आपल्यासोबत आहेत. आपल्यासोबत आहेत समाजवादी पार्टीचे नेता, मुंबई आणि महाराष्ट्र प्रदेशची जबाबदारी ज्यांच्यावरती आहेत असे ज्येष्ठ नेते समाजवादी पार्टीचे अबू आझमीजी. अबू आझमी आपले आज न्यूजरूममध्ये आहेत. अबू आझमीजी, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ जय महाराष्ट्र के इस खास प्रोग्राम में शरीक होने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत शुक्रिया आपका. आणि या निमित्तानं अर्थातच माझे सगळे सहकारी त्यांच्याशी संवाद साधणार आहेत. पण त्यापूर्वी पहिल्या प्रश्नापासून सुरुवात करूयात. अबू आझमीजी, सबसे पहिले तो सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी जो अभी आपने खुद पे खींच ली है वो है आपने की हुई कमेंट, औरतों को पसंद ही होता है कि जितने कम कपड़े उतनी बड़ी फैशन. ये क्या बात हुई? नहीं, देखिए ऐसा है कि औरत एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है. हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, उसका सम्मान ज़रूरी है. और मैं देश में देख रहा हूँ कि जब से निर्भया कांड हुआ पूरा देश इकट्ठा हो गया. और 1400 साल पहले जो इस्लाम में कहा गया था कि रेप बलात्कार के बदले फांसी दी जाए, वही चीज़ 1400 साल बाद लाई गई. मैंने स्वागत किया, परंतु देख रहा हूँ देश में रोज़ाना बलात्कार, मोलेस्टेशन, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, ये बहुत बढ़ता जा रहा है. छोटी छोटी बच्चियों के साथ बढ़ता जा रहा है. और लेकिन कहीं कमी नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं कानून अपना काम सही नहीं कर रहा है. पुलिस वाले सही तरीके से ड्यूटी नहीं कर रहे हैं. तो मेरा ये फ़र्ज़ होता है कि मैं प्रिकॉशन लूँ. मैं पुलिस के ऊपर क्यों छोड़ दूँ, सरकार भी क्यों छोड़ दूँ? मेरी इज्जत, मेरा महत्व, मेरा सम्मान, जो मेरी बहनें हैं. तो मर्दों को जो भी करना है वो करने दें, लेकिन औरतों को संभालना चाहिए. आपने कहा करने दें, मैंने कहा ना कि फांसी की सजा तो आप करने कहा दे कह रहे हैं. उनको फांसी दीजिए ना, हम तो पहले डिमांड कर रहे हैं ना, लेकिन नहीं हो रहा है ना. और ये रोजाना रेशियो बढ़ता जा रहा है. इस्लाम ने, आपको पता है अब इस्लाम में कितना इसका प्रिकॉशन लिया गया है. मैंने टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन बताऊँ आप एक किस्सा. हमारे प्रॉफिट एक बार जा रहे थे तो एक आदमी अपने घर के बाहर खड़े थे, तो उनसे सलाम, उनसे बातचीत हुई, चले गए. दो घंटे बाद वापस आए, फिर भी वहीं खड़े थे. तो पूछे, क्यों खड़े हो यहाँ पे, तुम घर में क्यों नहीं गए, क्या किसी का इंतजार है? बोले, मेरे घर में मेरी जवान बेटी अकेली है. मैं अकेले, जवान बेटी घर में है तो अकेले बाप या भाई को भी नहीं रहना चाहिए. शैतान बीच में आ सकता है, कोई ऐसी गलत चीज़ ना कहीं हो जाए. इतना प्रिकॉशन लिया जाता है. तो जब माँ या कोई घर में और आएगा तो मैं घर में जाऊँगा, इतना प्रिकॉशन है. तो उसी के उसमें कह रहा हूँ मैं कि हमें अपनी महिलाओं के साथ उनके सम्मान को बरकरार रखने के लिए हमारी पुरानी चीज़ें, जो प्राचीन काल की चीज़ें, हमारी तहजीब है, उसको ज़रा लाना चाहिए. आज वो तहजीब ख़त्म होती जा रही है. हम जब बैठते हैं फिल्म देखने के लिए तो ऐसे ऐसे नेकेट, ऐसे ऐसे सेक्सुअल सीन आती हैं कि अगर मेरी बेटी या मेरी माँ या कोई बैठा हुआ तो मुझे शर्म आती है. हमारे बच्चे कभी जल्दी से उसको कहीं ना कहीं उसको हटा देते हैं. तो मैं उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके मद्देनज़र देखते हुए मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ. मैंने कहीं सम्मान घटाने की कोशिश नहीं की. सम्मान घटाना मतलब क्या? मैं कहा गया इस्लाम में कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है. और माँ का, अब औरत का अपमान करना मतलब तो जानवर ही आदमी होगा जो ऐसी बात करेगा. लेकिन अबू आज़मी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक औरत माँ है, बेटी है, बहन है, लेकिन फिर इस तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स क्यों आप समाज के ठेकेदार बनना चाहते हैं? 21वीं सदी में हम घूम रहे हैं, लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि अबू आज़मी समाज के ठेकेदार बनना चाहते हैं, बुरखा पहन के बाहर निकलो, दोस्त के साथ बाहर मत घूमो. ये कहाँ की बात हुई? 21वीं सदी में महिलाएं काम कर रही है, मर्दों के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चल रही है, फिर उनको रोकने वाले आप कौन हैं? नहीं भाई, मैं नहीं रोक रहा हूँ भाई. मेरा कोई डिक्टेटरशिप नहीं है भाई साहब. देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून, डेमोक्रेसी में मुझे राइट है कि मैं अपनी राय दे सकता हूँ. जिसको अपनाना हो अपनाना, नहीं अपनाना नहीं अपनाए, उसमें कौन सी बात है. मैं भी बेटी का बाप हूँ, मैं भी, मेरे घर में महिलाएं हैं, मैं पारिवारिक आदमी हूँ. मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ कि किसी महिला पर रोक लगाना, ये मैं ये कभी नहीं कह सकता हूँ मैं. लेकिन मैंने इस देश के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगे. आप जाइए अरब कंट्रीज़ में ना, जाइए दुबई, जाइए ना, बहुत नज़दीक है, दो घंटे लगते हैं, जाके देखिए ना. औरतें फैशन करके घूम रही हैं, किसी की हिम्मत नहीं मुड़ के देख ले उसकी तरफ. रेप तो बहुत दूर की बात है, कुछ छेड़ भी नहीं सकता है. तो फैशन के खिलाफ अबू आज़मी नहीं है, सिर्फ उसके उसके जो रिपरकेशंस आते हैं, परिणाम होते हैं. हाँ, जो औरत घर में रहे अपने जैसे, चाहे जो कपड़े चाहे घर में पहने, लेकिन बाहर, घर में या बाहर, अगर बाहर औरत घूमती बाहर वो, तो हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा
ये सब चीज़ें आ रही हैं, क्राइम हो रहा बढ़ रहा है इसकी वजह, तो थोड़ा मुझे जब कानून सही काम लेगा तो प्रिकॉशन तो मुझे लेना चाहिए ना। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि समाज ने भी, लोगों ने भी अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए औरतों की तरफ देखने के लिए? आप कह रहे हैं कि औरतों ने फैशन नहीं करनी चाहिए। मानसिकता नहीं बदल रही है ना, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में, मेरे घर की महिलाएं मेरे हाथ में हैं। सर यहाँ पे मेन मुद्दा है वो, मतलब महिलाओं की सुरक्षा का, लेकिन फिर भी आपके ये स्टेटमेंट रहते हैं कि महिलाओं को शॉर्ट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, गैर मर्द के साथ सात के बाद महिलाओं को घूमना नहीं चाहिए, तो ऐसे स्टेटमेंट क्यों? अभी मुंबई में बहुत सारी लड़कियां हैं जो अकेली सर्वाइव करती है, फिर भी वो अपने पिता या फिर भाई कहाँ से लेके आएगी? तो वो लड़कियाँ क्या करें, आपको क्या मेरी बातों के ऊपर, मतलब मैं इतना गुस्सा लोगों को आ रहा है, परंतु मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सम्मान की बात कर रहा हूँ, दुनिया उल्टी हो गई लगता है आजकल। अरे भाई मैं राजस्थान जाता हूँ, मैं मध्य प्रदेश जाता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश जाता हूँ, बड़े बड़े घरों की महिलाएं, करोड़पति राजा महाराजा के घर की औरतें जो हैं, जब आती हैं किसी के सामने तो पल्लू झाड़ के आती हैं। उसको ना क्यों पल्लू झाड़ के आती हैं? बड़े मॉडर्न जमाना आ गया, आधा कपड़ा पहन के आओ ना, अब जाकर समझाइए ना उनको क्यों पल्लू है। वो मुस्लिम नहीं, हिंदू औरतें हैं, उनको मना कीजिए आपकी क्यों पल्लू झाड़ती हैं आप? क्या बैकवर्ड लोग हैं आप? अभी भी आपको जमाना चला आ रहा है? भारतवर्ष की संस्कृति क्या थी कि औरत जब आती थी किसी गैर मर्द के सामने तो बड़े एहतराम के साथ में, कहीं उसकी उसकी कोई बदन का हिस्सा नहीं दिखे। ये मैंने पढ़ा है, देखा है। आपको नाराजगी पता नहीं क्यों हो रही है, मेरे समझ नहीं आ रहा है। नहीं, आपको क्या लगता है, मतलब औरतें अगर पूरे कपड़े पहनेंगी तो ये जो चीजें हो रही हैं ये खत्म हो जाएंगी? मैंने कह रहा हूं खत्म हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा कमी जरूर आएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ ये इसका पूरा वो है, बच्चियाँ छोटी छोटी गांव में मैं देख रहा हूँ रेप हो रहा है छोटी बच्चियों का, उसको तो पूरे कपड़े पहने रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खत्म हो जाएगी, मतलब प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए। पण ही प्रिकॉशन कोणापासून घ्यायची हा पण मुद्दा आपल्याला विचार घ्यावा लागेल ना, कारण प्रिकॉशन घ्यायची, स्त्रियांनी प्रिकॉशन घ्यायची, बाहेर एखाद्या भावासोबत आपल्या वडिलांसोबत जायचं, पण ही कोणापासून प्रिकॉशन घ्यायची? मग ज्या लोकांमुळे हे होत आहे, पुरुषांमुळे होते, तुम्ही त्यांना ऍड्रेसच नाही करत आहात, पण पुरुषांसाठी तुम्ही काही मेसेजेस नाही देत आहात, आणि तुम्ही एक नेते आहात तेव्हा तुम्हाला फॉलो करणारे पण अनेक तुमचे कार्यकर्ते आहेत, तुम्ही त्यांच्यासाठी काय मेसेज देता? मग तुम्ही फक्त स्त्रियांना सांगताय की प्रिकॉशन घ्या, कोणापासून घ्यायची त्याच्याविषयी तुम्ही काही बोलतच नाही आहात। नाही नाही, असं नाही, आप लोग कट पेस्ट कहीं से भी करके बात को कहीं घुमा देते हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो सबसे पहले जिम्मेदार पुरुष को ही मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पुरुष को छूट दे रहा हूँ। पुरुष को तो फांसी की सजा मैंने कहा, आपने सुना ही नहीं, आप नहीं कह रहे, हमने कहा, मगर हमारी बात को आप लोग उसको ऐसे उसमें ले जा रहे हो। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी आदमी की आज के ज़माने में भी कोई अपनी बहन को, अपनी बेटी को किसी और आदमी के साथ घूमने के लिए कह दे और कह दे कि जाओ उसके साथ तुम रहो दो चार छः दिन, आओ बाद में। मुझे नहीं लगता कि मेरे देश का ये संस्कार है, मेरे देश संस्कृति है, मुझे नहीं अच्छा लगता। जिसको अच्छा लगता करे ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। अच्छा, एक मैं नहीं लागू करूंगा, आगे और लेके जाते हैं। एक बात है, ये महिलाओं की वजह से निकली हुई बात है, मतलब उनके हिसाब से हमने शुरू किया, पहला मुद्दा वही लिया था। बात लेके जाते हैं हम हाजी अली तक। हाजी अली के मजार प्रवेश के लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा, औरतों ने ही वो मुस्लिम औरतों ने ही वो आगे लेके गई, और अभी तो उन्हें सक्सेस भी मिला है, मजार तक वो जा सकती हैं। उसको भी आपने विरोध किया। अब वहां पे तो अच्छी तरह से कपड़े पहन के जा रही थी, पूरी तरह से रिस्पेक्ट दे के जा रही थी हाजी अली दरगाह को, फिर भी वहां पे विरोध क्यों था? सर आप धर्म मानते हैं कि नहीं मानते? जरूर मानता हूँ, धर्म पे चलना चाहिए ना आदमी को, जैसा अगर मान रहा है तो उसके हिसाब से। नहीं, अगर धर्म कुछ लिखा है तो उसमें आप इंटरफेयर कर सकते हैं। क्या गीता में कोई उपदेश दिया गया आपको, आपको ईश्वर भगवान ने कुछ उपदेश दिया हुआ है तो आप उसमें क्या कहेंगे, क्यों उपदेश दिया आप पूछेंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि आप पूछ सकते हैं उसमें, जो है तो है, अब क्यों है उसका, भाई हमारा ईमान यही है। इस्लाम में कहा गया है कि कब्रिस्तान पे, मकबरे पे औरत नहीं जा सकती। मैंने जब से पैदा हूँ आज तक देख रहा हूँ लिखा हुआ हर जगह पे, बाप मर जाता है, बेटा मर जाता है, माँ मर जाती है तो उसके घर की औरत उसकी मैयत को लेकर कब्रिस्तान में दफनाने नहीं जाती। उससे माँ से जितना प्यार करते हैं उससे कौन प्यार करेगा? माँ के जितना महत्व उससे किसका महत्व है? परंतु माँ की कब्र पर औरत जा करके दुआ नहीं पढ़ती, आदमी जाके पढ़ता है। अब आप कहेंगे क्यों ऐसा है, ये दकिया नहीं सुई है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। इस्लाम में कहा है कि कब्र पे औरत को नहीं किसी जाना, किसी आम आदमी की कब्र और हाजी अली दरगाह, इस पे कुछ तो फर्क होगा। अरे माँ से बढ़ के कौन हो सकता है, आम आदमी मतलब क्या होता है? हाजी अली दरगाह, भाई मेरी माँ से बढ़ के दुनिया में कोई दरगाह नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी को माना गया है तो माँ से बढ़ के कौन सी चीज हो सकती है? तो माँ की, माँ के कब्र पर भी मुसलमान
औरतें नहीं जा सकती, ये मना है। अच्छा जाए ना, एक यहाँ पे जो हाजी अली दरगाह पे जगह बनी हुई ना, वहाँ जाए, वहाँ से कह रहे हैं दुआ पढ़े, लेकिन आदमियों के साथ ही जाना है? एक गैर आदमी के साथ धक्का लगेगा आपको, आपकी रिस्पेक्ट खराब होगी, कोई बदतमीज आदमी होगा, उस बदतमीजी भी कर सकता है, उसकी इस्मत, उसके उसके सम्मान के लिए एक जगह बनी हुई है, वहाँ आदमी नहीं जाएगा, औरतें जाएं आराम से, वहाँ से दुआ पढ़ें, कौन सी बुरी बात है इसमें? लेकिन आजमी साहब, 21वीं सदी में अगर कोई औरत जाकर मज़ार पर मत्था टेकना चाहती है, कुछ दुआ मांगना चाहती है, तो फिर उसे वो करने से आप क्यों रोक रहे हैं? मैं नहीं रोक रहा हूँ, मेरा मजहब रोक रहा है। क्यों? मजहब में कहा गया है कि नहीं जाना चाहिए, इस्लाम इज़ अ पर्सनल रिलीजन। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने दुआ नहीं मांगनी चाहिए, आप वहाँ पे जाके मत्था नहीं टेक सकते? नहीं नहीं, मत्था तो टेकना, देखिए ऐसा है ना कि आप हाथ उठा के दुआ मांगिए, दूर से बना हुआ है, आदमियों के लिए आदमी जा सकता है, अलाउ है रिलीजन में, औरत वहाँ तक नहीं जा सकती, ये मना है। अब क्यों मना है, मैं इसके, मेरे पास कोई इसका जवाब नहीं है। अगर भारत सरकार एक कानून बनाती है तो ऐसा है ना कि सरकारें आती रहती हैं, कानून बदलते रहते हैं, अमेंडमेंट होता रहता है, लेकिन लेकिन रिलीजन इज अ परफेक्ट रिलीजन, देर इज नो अमेंडमेंट, नो इफ नो बट, नो देर इज नो अमेंडमेंट इन द रिलीजन। 1400 साल पहले जो शुरू हुआ है रहती दुनिया तक वही रहेगा, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी आ जाए। नहीं, इसमें अगर जितना मेरी जानकारी है इस्लाम के बारे में, वैसे अगर इस्लाम की बात ही की जाए तो मज़ार को तो इस्लाम मानता ही नहीं है। हालांकि बात तो ऐसी है कि सऊदी अरब में खुद प्रोफेट मोहम्मद असलम के कब्र में भी जाना मना ही है, तो वहाँ पे आप, यहाँ पे तो आप हाजी अली की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं, हमारा कई मसलक है, एक मसलक देवबंदी है जिसमें जाना मना है, चादर चढ़ाना मना है, एक मसलक बरेलवी है जिसमें जाके चादर चढ़ाया जाता है, जाके चूमते हैं उसको, मैं इस पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, सबका अपना अपना मसलक है, उस पर मैं क्या कर सकता हूँ? अपना अपना, आपने कहा इस्लाम परफेक्ट रिलीजन है, 1400 साल शुरू हुआ, अभी तक जैसे कैसा है, तो अपना अपना इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकता है? देखिए ऐसा है ना कि एक चीज को उसका मतलब कहीं यही निकाला जाता है, कहीं उसका मतलब निकाला जाता है, लेकिन उसमें जो है कहीं कुछ लोग कब्र पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, कुछ लोग नहीं चढ़ाते हैं। जी, एक अपन प्रश्न घेणार आहोत अमृत साहेब, बाकी चांसे पण प्रश्न आहे, पण त्यापूर्वी एक छोटासा ब्रेक, ब्रेकच्या नंतर ही जोरदार सुरू झालेली चर्चा कुठल्याही प्रकारचा ब्रेक चर्चेतला न आणता अशी सुरू राहणार आहे। छोटासा ब्रेक, पाहत राहा जय महाराष्ट्र।